CPU की बात करें तो लिंक के टी लाइट, CPU के साथ आता है। इन दोनों ही डिवाइसेस के फिजिकल लुक में भी काफी डिफरेंस है जैसा कि आप देख सकते हैं कार्ड लिंक के टी बॉक्स लाइट आता है ऑल ब्लैक बॉडी के साथ और कार्ड लिंक टी बॉक्स यूएसडी आता है व्हाइट एंड ब्लैक बॉडी के साथ कार्ड लिंक टी बॉक्स यूएच में हीट वेंटिलेशन के लिए काफी अच्छे से स्पेस दे रखी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके स्लॉट्स हैं और इधर की ओर कुछ अवेलेबल स्लॉट्स हैं और इसमें आपको एक हीट मैनेजमेंट के लिए ये सिस्टम दे रखा है देर इज नो वेंटिलेशन सिस्टम और यहाँ ऊपर की ओर है इसका यूएस स्लॉट और नीचे की ओर है पावर और एस कार्ड स्लॉट तो चलिए अब हम इन दोनों डिवाइसेस को गाड़ी में लेके चलते हैं और इनके डिस्प्ले का डिफरेंस देखते हैं सो so इन दोनों ही डिवाइसेस का जो सेटअप प्रोसेस है वो सेम है जो इंक्लूडेड केबल है उसको आपको इंस्टॉल करना है उस स्लॉट में जिससे कि आपका वायर्ड एप्पल काफले चलता है और बस फिर आप इसको ऐसे इंस्टॉल कर देंगे सबसे पहले हम टी बॉक्स लाइट को देखेंगे हाउ डज इट परफॉर्म्स आप कुछ ही सेकेंड्स में हमारा स्क्रीन ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा लेट्स वेट एंड वॉच सबसे पहले ये देखिए ये कार्ड लिंकड का जो लोगो है वो ग्लो कर चुका है हमारा एंड्रॉइड ऑटो ग्लो कर गया और हमारा सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है पावर्ड बाई एंड्रॉयड अग्री एंड एक्सेप्ट इनका कहना है कि वीडियो मत देखेगा वायर ड्राइविंग द व्हीकल और कुछ इस तरीके का लेआउट आपको देखने को मिलेगा सो so गाइस सबसे पहले मैं आपको इसका वायरलेस ऑटो फंक्शन शो करता हूँ वायरलेस ऑटो एक्टिवेट करने के लिए आपको ऑटो किट पर जाना पड़ेगा यहाँ पर देखिए वेटिंग शो कर रहा है आपको अपने फ़ोन में ब्लूटूथ में जाना होगा मोर में सर्च फॉर डिवाइसेस अवेलेबल डिवाइसेस में आपको मिलेगा टी बॉक्स लाइट यहाँ पर आप टैप करेंगे अलाउ एक्सेस पैर और हमारा वायरलेस ऑटो कनेक्ट होना शुरू हो चुका है तो वायरलेस ऑटो कनेक्ट हो चुका है अब यहाँ से आप फ़ोन को बिना कनेक्ट किए वायरलेसली वायरलेस ऑटो गूगल मैप्स यूज़ कर सकते हैं इसका परफॉर्मेंस सही है मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई कार लिंक की टी बॉक्स लाइट में अगर हमें वायरलेस एप्पल का आपले कनेक्ट करना है तो हमें वैसे ही ऑटो किट पे जाना पड़ेगा और सेटिंग्स में जाएंगे ब्लूटूथ ऑन करेंगे टी बॉक्स लाइट शो करेगा डिवाइसेस में यहाँ पे देखिए शो कर रहा है सब कुछ हम अलाउ कर देंगे पैर दबा देंगे और विद इन सेकेंड्स हमारा वायरलेस एप्पल का आप कनेक्ट हो जाएगा टर्न ऑन वायरलेस एप्पल का अपले तो ये देखिए वायरलेस एप्पल का अपले कनेक्ट हो चुका है थोड़ा सा टाइम लेता है ऑन होने के में एक बार जब ये ऑन हो जाता है देन इट वर्क्स परफेक्टली अब हम देखते हैं कार लिंकिट के टी बॉक्स लाइट का एंड्रॉयड सिस्टम इसमें ओवर द एयर अपडेट का ऑप्शन दे रखा है तो अगर मान लीजिए कोई भी अपडेट होगा तो आप इसको टैप करेंगे और यहाँ पर एक अपडेट शो करने लगेगा करेंट वर्जन देखिए हमने चेक किया और अगर कोई भी अपडेट होगा ये देखिए एक नया अपडेट आया है तो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट एंड योर कार्ड लिंकड टी बॉक्स लाइट विल गेट अपडेटेड इसके अलावा आपको यूट्यूब मिल जाता है देखिए हम यूट्यूब टैप करते हैं मैंने इसको ऑलरेडी साइन इन कर दिया है तो कुछ YouTube इस तरीके से चलेगा आप अपना कोई भी वीडियो देख सकते हैं प्रकाश पैराडाइज को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं इस वीडियो को और आपको जो यूज़ करना है यूट्यूब में आप यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा आपको नेटफ्लिक्स का भी ऑप्शन मिलता है जो कि आप चला सकते हैं आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए आई डोंट हैव अ सब्सक्रिप्शन फॉर इट तो मैं आपको इसको लॉग इन करके नहीं दिखा सकता बट देर इज़ वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि इसमें जैसे मान लीजिए आपने डिजनी प्लस हॉट स्टार इंस्टॉल किया तो ये ऑन नहीं होता है देखिए न्यू वर्जन अवेलेबल शो करता है जब हम इसको अपडेट करते हैं तो ये अपडेट नहीं होता है अगर हम ए पी के प्योर से भी करने की कोशिश करते हैं देन ऑल्सो इट इज़ नॉट वर्किंग तो अगर आप YouTube और Netflix यूज़ करना चाहते हैं देन दिस डिवाइस इज़ डेफिनेटली गुड फॉर यू तो ये हो गया कार लिंक के टी बॉक्स लाइट अब हम देखते हैं कि कार लिंक के टी बॉक्स यू कैसा शो करता है तो हमने इसको रिमूव किया यहाँ पर इसको इंस्टॉल किया तो यहाँ पर देखिए ये इसका स्टेटस एल लाइट भी ऑन हो चुकी है और यहाँ पर हमारा बूटअप स्क्रीन ऑन होना शुरू हो चुका है अग्री एंड एक्सेप्ट बाय द वे ये एक ही डिवाइस चाहे तो आप वर्टिकल स्क्रीन पर चलाइए चाहे आप हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पर चलाइए ये खुद से री स्क्रीन रिकेलिब्रेशन हो जाता है और ये चलना शुरू हो जाता है स्क्रीन रिकेलिब्रेशन में रिस्टार्ट होता है जैसे कि अभी ये हो रहा है और हमारा एंड्रॉइड सिस्टम स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया है ये देखिए अग्री एंड एक्सेप्ट तो यहाँ पर जो ओवरऑल व्यू है वो कंपैरेटिवली डिफरेंट है यहाँ पर आपको एक बूटअप स्क्रीन भी मिल जाती है विच इज़ लुकिंग वे नाइसर एज़ यू कैन सी यहाँ पर आपको कुछ कुछ चीज़ें कह रहा है ऑफसेट वैल्यू सेट करने के लिए ओके okay. और यहाँ पे आपको ऑन द स्क्रीन ऑन द होम पेज यू गेट गूगल मैप्स बाय द वे इसमें आप सिम कार्ड लगा सकते हैं तो आपको वाईफाई कनेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कार्ड के टी बॉक्स यू में भी वायरलेस एंडर ऑटो सेम तरीके से काम करता है आपको ऑटो किट पर जाना पड़ेगा यहाँ पर आपको ब्लूटूथ में जाना पड़ेगा और टी बॉक्स यू सर्च करना पड़ेगा इन दी अवेलेबल डिवाइसेस यहाँ पर नीचे देखिए आ जाएगा टी बॉक्स यू शो कर रहा है हमने इसे टैप किया सेम तरीका है जैसे कि हमने टी बॉक्स लाइट में किया था और जो कनेक्शन स्पीड है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है एंड बाय द वे अगर आप ऐसे कनेक्शन कर रहे हैं देन इन बोथ द डिवाइज यू डोंट नीड टू गो इन द सेटिंग्स एवरी टाइम आप बस ऑटो कनेक्शन ऑन कर दीजिए एंड इट विल गेट टर्न ऑन एवरी टाइम यू गेट इन द कार तो कुछ इस तरीके से हमारा वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो गया है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अपना गूगल मैप्स एंड ऑल दो फीचर्स दैट आर अवेलेबल इन वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो अगर हम आप वायरलेस एप्पल का आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो सेम ऑटो की टैप में जाके फिर हमें ब्लूटूथ में जाना पड़ेगा ब्लूटूथ को टर्न ऑन करना पड़ेगा और टी बॉक्स यू अवेलेबल डिवाइसिस में शो करेगा टी बॉक्स यू शो कर रहा है पैर दबाएंगे अलाउ करेंगे जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे और ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है दैट इट इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट आईफोन लिख गया है और हमारा वायरलेस एपल काफले कनेक्ट हो चुका है नाउ वी कैन यूज़ द वायरलेस एप्पल कापले एज़ वी वर यूजिंग इट इन अ वाइड फॉर्मेट अब हम देखेंगे कि कार्ड लिंकड के टी बॉक्स यूएच टी का एंड्रॉयड सिस्टम कैसे काम करता है तो इसमें आपको बहुत से फीचर्स मिल जाते हैं जो कि एंड्रॉयड थर्टीन सिस्टम पर अवेलेबल है सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका गूगल मैप्स कैसे काम करता है तो गूगल मैप जब आप खोलेंगे तो इस तरीके से आपको शो करेगा यहाँ पर जैसे आप नॉर्मली अपने फ़ोन का गूगल मैप्स यूज़ करते हैं उस तरीके से आप इसको कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं ये देखिए अभी मैंने इसको लगाया और यहाँ पे ऑफलाइन दैट मींस कि बिना किसी फ़ोन को कनेक्ट किए यहाँ पर गूगल मैप शो कर रहा है इसी तरीके से आप यूट्यूब चला सकते हैं जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है टी बॉक्स यू में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा YouTube चल रहा है अब मैं आपको इसके कुछ और अमेजिंग फ़ीचर्स बताता हूँ जैसे कि मेरी गाड़ी में लगा हुआ है एम्बियन लाइट तो मैंने डाउनलोड कर लिया एल ई डी लैम्प जो एम्बियट लाइट का ऐप है जो कि ऐप सपोर्ट करता है और यहाँ से हम बैठे बैठे ये देखिए हम लाइट्स को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं और इसको ऑपरेट कर सकते हैं हाउ कूल इज़ दैट यू डोंट हैव टू यूज़ योर फ़ोन इसके अलावा आप इसमें ऐप्स जैसे कि फ़्लाइट ट्रैकर ऐप हो गया मान लीजिए आपकी फ़ैमिली कहीं से आ रही है तो आप फ़्लाइट ट्रैक कर सकते हैं और

सिस्टम के नाम पे यूट्यूब अगर आपको चलाना है USD, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने के बाद आप यूट्यूब नेटफ्लिक्स और इवन अपने घर के जो कैमरेज है उनके एप्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं एंड द बेस्ट पार्टिस की ऑफलाइन गूगल मैप भी चलता है सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से इट विल टोटली डिपेंड ऑन योर एक्सपेक्टेशन एंड योर रिक्वायरमेंट फ्रॉम एन एंड्रॉइड बॉक्स अगर आप एक ऐसा एंड्रॉइड बॉक्स ढूंढ रहे हैं जिसमें सिर्फ यूट्यूब चल जाए कार्ड लिंक टी बॉक्स लाइट इज फॉर यू एंड अगर आप एक कंप्लीट एंड्रॉइड सिस्टम ढूंढ रहे हैं इस वीडियो को कैसा लगा डू लेट मी नो इन कॉमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यून डन ऑलरेडी ग्रेट डे इंजॉय लाइफ एंड कीप्स माई लैंग